तो अरुण जेटली स्टेडियम में जाने के लिए ये रास्ता आपको लेना पड़ेगा। इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ इधर जाना पड़ेगा और जामा मस्जिद और प्रगति मैदान की तरफ इस तरफ जाना पड़ेगा। इसमें दिशा निर्देश दिया गया है और आपको हम ले चलते हैं स्टेडियम तरफ। इसी रास्ते से आपको जाना है। ये दिल्ली गेट पत्ती का है जो कि जाम लगा पड़ा है। धीरे धीरे सब गाड़ी आ जा रही हैं। रास्ते से देखिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि और साधन अंदर प्रवेश ना कर सकें। बाहर का गाड़ी बाहर ही और स्टाफ के आदमियों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन है जो कि इस तरफ गेट नंबर 4 पड़ता है। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ लोग आने वाले इधर इस गेट से ही निकलेंगे जो कि ये अरुण जेटली स्टेडियम के जस्ट पास में ही है, पीछे तरफ है। तो आपको हम इस तरफ से ले चलते हैं। ये मेट्रो का ये दरवाज़ा है और इसके बगल से ही ले चलते हैं हम आपको। और सारे गेट आपको धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये टिकट में लिखा रहता है गेट नंबर 16, गेट नंबर 9, गेट नंबर 8। ये सब सारी डिटेल मैं आपको, गेट नंबर कौन सा गेट किस तरफ है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ बता दूंगा ताकि आपको अगर टिकट मिल जाए तो किस गेट से जाना है ये आप समझ पाएँ। और देखिए इस तरफ जो है, ये देखिए बैनर लगा हुआ है जो कि दिखा रहा है अरुण जेटली स्टेडियम गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 18 इस तरफ पड़ेगा आपको इस दिशा में। तो आपको ऐसे सीधे जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 18। तो ये सब सारे गेट इस तरफ मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको पेट्रोल टंकी भी मिलेगी। पेट्रोल टंकी यहाँ फेमस है, स्टेडियम के बगल है इसलिए ज़्यादा और ज़्यादा फेमस है। लोग गाड़ियों से आते हैं, यहाँ तेल भरवाते हैं। देखिए दोस्तों, तुम यहाँ पे गेट नंबर 15 और गेट नंबर 10, गेट नंबर 18 आगे, एक गेट नंबर 18 आगे पड़ेगा और गेट नंबर 15, 16 और 10 इस तरफ पड़ेगा। ये देखिए गेट नंबर 18 का है। अभी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि मैच 2 बजे से है, इसलिए एंट्री नहीं हो रही है। 15-16 जाने के लिए हम आपको इस तरफ से ले चलते हैं। इसी पेट्रोल टंकी वाला रास्ता ही आपको अपनाना पड़ेगा और इसके सीधे ही जस्ट चलते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। सारे गेट इसी रास्ते पे मिलेंगे आपको। ऐसे सीधे ही चलते रहना है। ये दिल्ली गेट का स्टैंड है, यहाँ पर बसें रुकेंगी और यात्री अपना आ जा सकेंगे। फैंस लोग आएंगे इसी रास्ते से। देखिए अरुण जेटली स्टेडियम का एक और बैनर लगा मिलेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए इसमें ये बताया गया है गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 आपको इस तरफ मिलेगा। ये रास्ता गया हुआ है। ये इसी रास्ते से मिलेगा आपको। ये देखिए सारे कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है। अभी फैंस भी आते नज़र आ रहे हैं। 2 बजे से मैच है, लोग अभी से देखना चाह रहे हैं कि क्या कैसा प्रैक्टिस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए वहीं पे बियर पी ली। अरुण जेटली स्टेडियम गेट नंबर 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9 इस तरफ मिलेगा आपको। लेकिन हम आपको इस तरह से ले चल रहे हैं क्योंकि और सभी गेट इस तरफ हैं और मेन गेट्स भी इस तरफ हैं और बाकी जो इंडिया टीम है वो इसी रास्ते से जाती है। ये देखिए यहाँ पर तिरंगा के वो लगाए गए हैं कपड़े। ये देखिए इंडियन टीम इसी रास्ते से जाती है, इसी रास्ते से फैंस उनका वेट करते हैं ताकि वो बस में अपना चेहरा दिख जाता है तो फैंस बस उससे ही खुशी हो जाते हैं देख के। ये देखिए इसी रास्ते से सब इंडियन टीम जाती है, सब खिलाड़ी जाते हैं। देखिए पुलिस भी बैठे हुए हैं और ये गेट नंबर 2 है और एक गेट नंबर 1, 2
एक और दो, दोनों इसी तरफ हैं। खास कर ये गेट नंबर दो यही है जो बड़ा वाला है, और गेट नंबर एक इधर है, ये देख सकते हैं आप। इस गेट का नाम वीरेंद्र सहवाग गेट के नाम से है। और आपको हम और आगे ले चलते हैं, और सारे गेट दिखाने हैं हम आपको। इसी रास्ते से आप जाएंगे तो और गेट कंफ्यूज नहीं होंगे। और कुछ गेट उस तरफ से है बाएं साइड से, लेकिन हम आपको दाहिने साइड से ले आए हैं, ताकि दाहिने साइड से बाएं साइड तक मैं आपको सारा गेट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप स्किप मत करिएगा, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी होंगी, कुछ गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी होंगी उस गेट पे। लेकिन ये देखिए, आपको गेट नंबर 5 आ गया है। किसका चेहरा है आप बता सकते हैं? किंग कोहली का चेहरा है ये। ये देखिए अरुण जेटली स्टेडियम। कुछ पवेलियन है, कुछ GDC है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, रेस्टोरेंट एंड बार है, ओल्ड क्लब हाउस, और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, मेंबर जिम, और बैडमिंटन कोर्ट, कोटला लॉन्च, हिल ए हिल बी, न्यू क्लब हाउस, प्लेयर जिम, प्लेयर ड्रेसिंग रूम, मैच ऑफिशियल एरिया, कॉरपोरेट बॉक्सेस, सारे यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं आपको। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूँ। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। टिकट काउंटर बना हुआ है, आप अंदर टिकट ले सकते हैं। टिकट देखिए, और ये है बगल में फिरोज शाह कोटला, ये है। इसको मैं यहाँ आपको वीडियो कभी बना के दिखाऊंगा मैं आपको, देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, गेट नंबर 7 है। उसी रास्ते से हम आए हैं दाहिने साइड की तरफ से, आपको गेट नंबर 7 भी दिख गया है, और गेट नंबर 7-8 इस तरफ है। आप देख सकते हो सारे गेट अभी बंद किए हुए हैं, क्योंकि खिलाड़ी आ गए हैं, इसलिए सेफ्टी की वजह से। यहाँ पर फैंस सब बाहर ही खड़े हैं, 2 बजे से मैच है। गेट नंबर 8 दिख गया आपको, इसी रास्ते से चलते रहिए। आपको हम और गेट दिखाएंगे, गेट नंबर 8 दिखा दिए हैं, और जितने भी गेट हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये देखिए एक बैनर और लगा है, और इसमें देखिए आप गेट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18 ये आपको इस तरफ मिलेंगे। 18 तो मैंने आपको उस तरफ दिखा दिया है। अब आप देखिए गेट नंबर 9 है, गेट नंबर 9 मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गेट नंबर 9 है, यहाँ से सब फैंस एंट्री करेंगे। ये देखिए ये गेट नंबर 10 है, ठीक दोस्तों। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, धीरे धीरे मैं आपको सभी गेट दिखाऊंगा। अगर आप नहीं जाते तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको मैच भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गेट नंबर 11 है, और गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गेट नंबर 12, और नहीं गेट नंबर 13 है ये। देखिए गेट नंबर 14, गेट नंबर ये जितने भी लगाए गए हैं इसलिए लगाए गए हैं क्या, ताकि फैंस को परेशानी ना हो क्रिकेट देखने के लिए। कई गेट आपको, जैसे कई गेट पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए कई गेट से इसलिए भेजते हैं ताकि भीड़ ना लगे और सब आदमी आराम से पहुंच जाए स्टेडियम के अंदर। ये देखिए गेट नंबर 15 है। तो सारे ये क्रिकेट फैंस के लिए सुविधा किया गया है ये सब।
देख सकते हैं ये यहाँ सब एंट्री। स्टेडियम का अंदर जा सकते हैं इस दरवाजे से। देखिए यहाँ से हम खिलाड़ियों का स्वागत यहीं से होगा। यहाँ पर चिप्स पानी सब सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर किसी को प्यास लगी है तो पानी पी सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं, कुरकुरे खा सकते हैं, ये सब रहेगा। और यहीं से एंट्री की जाएगी बाहर से, ये एंट्री गेट बना हुआ है। यहाँ पर टोकन लगाया जाएगा, टोकन लगाने के बाद यहीं से एंट्री होगी, फिर फैंस जो है यहाँ से अंदर जा सकेंगे। दो बज गए हैं तो दर्शक अब आ रहे हैं, सब स्टेडियम में जा रहे हैं धीरे धीरे। एक बजे से ही ये शुरू हो गया है, लोग स्टेडियम के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिए हैं। अभी डेढ़ बज रहे हैं, देख रहे हैं कितनी भीड़ जा रही है। टीम इंडिया का मैच देखने के लिए आज दर्शक उतावले हो रहे हैं, देखिए चेहरे पर कितनी खुशी है लोगों के, ये आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूज वाले आए भी हुए हैं। विराट कोहली, अगर कोई विराट कोहली का पंगा लेता ना करियर उसका खराब हो जाता। कैथरीन विलियम्स आपने देखा, मिचेल जॉनसन आपने देखा है, एडिलेड में वेस्टइंडीज के बॉलर्स आपने देखे, और हकीकत बात है कि विराट कोहली की उसमें गलती नहीं थी। गौतम गंभीर ने नवीन को भड़काया था, सारा विवाद वहाँ से ही आपका चालू हुआ था। लेकिन बात ये करते हैं, ठीक है ये आप विवाद मानते हैं, लेकिन जरूरी है विराट कोहली की सेंचुरी, जरूरी है टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना। देख लो आगे और भी दर्शक आ रहे हैं धीरे धीरे, सब मीडिया वाले भी आ रहे हैं और फैंस लोग जितने भी ब्लॉग बनाने वाले हैं सब स्टिक लेकर खड़े हुए हैं। देख लिए आप बखूबी, देख सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है फैंस के अंदर, कितने उतावले हो रहे हैं देखने के लिए मैच। देख रहे हो कितने सारी भीड़ हुई है यहाँ पर, लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, देख सकते हो आप सब इंडिया का मैच देखने के लिए जा रहे हैं। खासकर विराट कोहली के फैंस इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, विराट कोहली के टी शर्ट में विराट कोहली के नाम की जर्सी पहने हुए हैं दर्शक, ज़्यादातर दर्शक यहाँ पर विराट कोहली के नाम की जर्सी पहने हुए हैं, ये देख सकते हो आप। देखो मीडिया वाले भी आए हुए हैं। बॉलिंग पर लंबी जाएगी जिसका सीरियस में
कुमार यादव, अब तो सूर्य कुमार यादव है, अरे तो देख सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार के बस सीधे मतलब हार्दिक पंड्या का जब है सूर्य कुमार खेल से is Fazal Farooqi.